नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का, क्योंकि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो पटवार हो, पुलिस हो या शिक्षक संबंधी जितने भी एग्ज़ाम हो, तो उनमें इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने उन्हीं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है और जो आने वाले एग्ज़ाम्स में हैं उनमें भी इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, किस लेख में बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे? तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बरली शिलालेख, दूसरा है गोसुंडी शिलालेख, तीसरा है हरकेली नाटक और चौथा है चिरवा का शिलालेख। तो इसका सही आंसर है हरकेली नाटक। हरकेली नाटक में ही चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? तो इसके पहला ऑप्शन है रणराज, बी है अजयपाल, सी है सोमेश्वर, डी है विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव और बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। और एक और तथ्य है, इन्हीं के समकालीन थे सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रह की रचना की थी। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस प्रशस्ति में हर्षनाथ, जो सीकर में स्थित है, हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लड़ द्वारा किए जाने तथा चौहानों के वंश आक्रम का उल्लेख है? तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़ शिलालेख में, बी है हर्षनाथ की प्रशस्ति, सी है नाथ प्रशस्ति, डी है हरकेली नाटक। तो इसका सही आंसर है हर्षनाथ की प्रशस्ति। हर्षनाथ की प्रशस्ति में जो अल्लट है, अल्लट द्वारा किए जाने का जो मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का विवरण मिलता है, जबकि हर्षनाथ की प्रशस्ति में और जो हर्षनाथ के जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो चौहान वंश जो शासक था गुवक, उसने करवाया था। और अल्लट को आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। और अल्लट के बारे में एक तथ्य और यह है कि जो भारत का प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय विवाह था वो अल्लट ने ही किया था, जो हूण जाति की राजकुमारी थी हरिया देवी, तो उनके साथ अल्लट का विवाह हुआ था। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न है, किस शिलालेख में सांबर एवं अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है? चार ऑप्शन है। पहला है सांडेराव का लेख, बी है किराड़ू का लेख, सी है बिजोलिया का शिलालेख और डी है हरकेली नाटक। तो इसका सही आंसर है बिजोलिया का शिलालेख में जो सांबर अजमेर के चौहान है तो उनको वत्स गोत्रीय बताया गया है। और ये किन के द्वारा बताया गया है? तो बिजोलिया के शिलालेख के माध्यम से भंडारकर है, तो उनके द्वारा अजमेर और चौहानों को वत्स गोत्रीय बताया गया। जबकि जो मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक हैं, जो गुहिल वंश के जो चौहान शासक है, तो उनको बताया गया है नगर ब्राह्मण, तो उनको नगर ब्राह्मण चौहान बताया गया है। और सांबर एवं अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो प्रश्न है पाँच, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह है, चार ऑप्शन है चिरवे का अभिलेख, बिजोलिया का अभिलेख, सी है सामोली अभिलेख, डी है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो इसका सही आंसर है बिजोलिया का अभिलेख। तो बिजोलिया के अभिलेख में शाकंभरी के चौहान व अजमेर के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। और इसमें जो प्राचीन स्थान है जाबलीपुर, जिसे वर्तमान में जालौर के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। और जो बिजोलिया के शिलालेख का जो रचनाकार है वो है गुणभद्र। तो आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालव गणराज्य के सिक्के काफ़ी मात्रा में मिले हैं? तो मालव गणराज्य के जो सिक्के हैं
वो सबसे अधिक कहाँ से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो इसके चार ऑप्शन है, ए है बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, बी है राठ अंचल, सी है रेड टोंक और डी है अहेड़ा अजमेर। तो इसका सही आंसर है रेड टोंक। तो टोंक से जो मालव गणराज्य के हैं वो सिक्के मिले हैं, और ये इन सिक्कों को मौर्यकालीन सिक्के कहा गया है, और जो मालव गणराज्य के सिक्कों को पण या धृण के नाम से जाना जाता था, और जो रेड और टोंक हैं तो वहाँ से ही 3,075 सिक्के मिले, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में सिक्के इसी स्थान से मिले हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन है, जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो इसके चार ऑप्शन है, ए बीकानेर नरेश राय सिंह, बी है राव अनूप सिंह, सी है राव जैत सिंह, डी है राव कल्याण सिंह। तो इसका सही आंसर है ए बीकानेर नरेश राय सिंह द्वारा। तो जो जूनागढ़ प्रशस्ति है वो बीकानेर के नरेश राय सिंह द्वारा स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? चार ऑप्शन है, ए रणछोड़ भट्ट तैलंग, बी कृष्ण भट्ट, सी जेता और डी है सोम। तो इसका सही आंसर है कृष्ण भट्ट। तो कृष्ण भट्ट द्वारा जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना की गई थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, नवा प्रश्न है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस धर्म में मिलता है? तो इसके चार ऑप्शन है, भाबरू अभिलेख, बी है चित्तौड़ अभिलेख, सी है राजसमंद अभिलेख और डी है गोसुंडी अभिलेख। तो जो वैष्णव धर्म का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था वो गोसुंडी के अभिलेख में किया गया था, और ये गोसुंडी का अभिलेख है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ए है जयानक पृथ्वीराज विजय, बी है विद्यापति पुरुष परीक्षा, सी है जयसिंह सूरी हमीर मद मर्दन और डी है मंडन। तो इनमें जो असुमेलित है उसका सही आंसर है मंडन, क्योंकि मंडन ने संगीतराज की रचना नहीं की थी, मंडन ने हमीर चौपाई की रचना की थी। तो इसका सही आंसर जो असुमेलित है वो है मंडन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ए है बंगाल, बी है राजस्थान, सी है गुजरात, डी है पंजाब। तो जो पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो राजस्थान से ही प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो ए है अल्लाखंड, बी है पृथ्वीराज रासो, सी है कामयानी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी पृथ्वीराज रासो, और ये प्रश्न RS 1998 में आया हुआ है। तो इसका तो सभी को पता होगा कि पृथ्वीराज रासो द्वारा चंद्रबरदाई ग्रंथ का रचना की गई थी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, चेतावनी राज चुंगड़िया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई है? और ये प्रश्न RS 1996 में पूछा गया है। तो इसके चार ऑप्शन है, ए है केसरी सिंह बारड, बी है सूर्यमल मिश्रण, सी है प्रताप सिंह बारड और डी है जोरावर सिंह बारड। तो इसका सही आंसर है केसरी सिंह बारड द्वारा। तो चेतावनी राज चुंगड़िया नामक जो रचना है वो केसरी सिंह बारड द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, केसरी सिंह बारड द्वारा रचित चेतावनी राज चुंगड़िया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? तो इसके चार ऑप्शन है, हरपाल को, बी है फतेह सिंह को, सी है भोपाल सिंह को और डी है अमर सिंह को। तो केसरी सिंह बारड द्वारा जो चेतावनी राज चुंगड़िया जो रचित ग्रंथ है उसमें जाने से रोका था, किस शासक को रोका था या किस महाराणा को रोका था? तो चार ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर है फतेह सिंह को। तो फतेह सिंह को केसरी सिंह बारड ने चेतावनी राज चुंगड़िया जो ग्रंथ है उसके माध्यम से रोका था।
अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। पोथी का नाम जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं, ये किससे संबंधित है? तो इसके चार ऑप्शन है, चित्रकला से, बी है वेद ग्रंथों से, सी है संस्कृत साहित्य से और डी है राजस्थानी साहित्य से। तो जो पोथीखाना है वो जयपुर में है, पुस्तक प्रकाश जोधपुर में एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित हैं राजस्थानी साहित्य से। तो ये जो तीनों हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि पोथीखाना कहाँ स्थित है, तो जयपुर में है, और जो पुस्तक प्रकाश हैं वो जोधपुर में, सरस्वती भंडार उदयपुर में है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल प्रमाणों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। तो इसके चार ऑप्शन है, बीकानेर संग्रहालय बीकानेर, राजस्थान राज्य बिल्लेखागार बीकानेर, खेतड़ी महल झुंझुनू, चंदन महल जोधपुर। तो इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य बिल्लेखागार बीकानेर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं, और जो आगे के प्रश्न आएंगे, जो इसके अलावा मैं दो या तीन पार्ट में जो राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत हैं तो उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके कोई सुझाव हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।